दोस्तों, हाल ही के कुछ सालों में दुनिया भर में मोटापा एक गंभीर बीमारी के तौर पर अपनी जड़ें मजबूत कर चुका है। क्या युवा और क्या उम्रदराज लोग, हर वर्ग और हर उम्र के लोग इस मोटापे से पीड़ित हैं। अब इनमें से कुछ लोग तो मोटापे को समय पर छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो इसके आगे घुटने नहीं टेकते और मेहनत व कोशिशों से मोटापे से निजात पा ही लेते हैं। और उन्होंने बताया कि इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया एम्बर राजडी ने, जिनका वजन सामान्य से बहुत ज्यादा था। 24 साल की उम्र होते होते उनका वजन 300 किलोग्राम पार कर चुका था और वो अपना कोई भी काम करने में असमर्थ थीं। वो एक दिन में लगभग 5 से 6 बार खाना खाती थीं। जब उनका मोटापा उनकी परेशानी का सबब बन गया, तब जाकर वजन कम करने के लिए उन्होंने गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी कराने की सोची। लेकिन इस सर्जरी में खतरे का अंदेशा काफी होता है। सबसे पहले वो डॉक्टर नोवजा राडन से मिली, लेकिन एम्बर का वजन और उनकी हालत को देखने के बाद डॉक्टर ने उनका इलाज करने से मना कर दिया। एम्बर अपना वजन कम करने का फैसला कर चुकी थी। बहुत अनुरोध करने के बाद डॉक्टर इस शर्त पर राजी हुए कि इलाज से पहले उन्हें अपना 10 किलो वजन कम करके दिखाना होगा। एम्बर इस शर्त को मानने के लिए तैयार हो गईं। इसके बाद डॉक्टर एम्बर का इलाज करने के लिए राजी हो गए। एम्बर का ऑपरेशन किया गया और 7 महीने बाद एम्बर का लगभग 40 किलो यानी कि 90 पाउंड वजन कम हो गया। 1 साल बाद जब वो अपने डॉक्टर से मिली तो एम्बर को देखकर वो हैरान रह गए। एम्बर लगभग 150 पाउंड वजन कम कर चुकी थी। एम्बर सोशल मीडिया पर भी एक्टिव है और अपनी तस्वीरें भी शेयर करती हैं। एम्बर अब काफी खूबसूरत भी दिखने लगी हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी अपने आसपास इतने ज्यादा वजन वाले इंसान को देखा है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। आर्य परमाना। दोस्तों, इंडोनेशिया में रहने वाले आर्य परमाना को दुनिया का सबसे मोटा बच्चा कहा जाता था। 10 साल की उम्र में वो एक बार में 5 लोगों का खाना खा जाता था। हालात ये थे कि इस वजन के साथ आर्य के लिए 5 मिनट भी खड़े रहना मुश्किल होता था। उसका दिन भर का टाइम लेटे लेटे ही बीतता था। सर्जरी से पहले इंडोनेशिया वर्ल्ड रिकॉर्ड म्यूजियम में सबसे मोटे लड़के का रिकॉर्ड आर्य के नाम दर्ज किया गया था। बीते साल अप्रैल में जकार्ता के ओमनी हॉस्पिटल में 12 साल के आर्य का गैस्ट्रिक स्लीव ऑपरेशन हुआ। उसके पेट का एक बड़ा हिस्सा काट कर हटाया गया था, जिससे कि वो खुद को खाने से रोक सके। उसके बाद से आर्य का वजन काफी घट गया। अब वो आराम से चल सकता है, वो स्कूल भी जाने लगा है और वो बच्चों के साथ फुटबॉल से लेकर टेनिस और बैडमिंटन तक सब खेलता है। आर्य ने बताया कि मेरी भूख अब पहले जैसी नहीं है और सिर्फ 6 चम्मच खाने से ही मेरा पेट भर जाता है। मैं मिठाई भी नहीं खाता और सॉफ्ट ड्रिंक्स भी नहीं पीता हूँ। डॉक्टर्स के मुताबिक आर्य की स्थिति मोटापे के सबसे मुश्किल केस में से एक था। पॉलाइन पॉटर 2011 में दुनिया की सबसे मोटी महिलाओं में से एक थी। उनका वजन लगभग 670 पाउंड यानी कि करीबन 300 किलोग्राम तक हो गया था। और दोस्तों, ऐसी हालत में तो किसी भी इंसान का परेशान होना स्वाभाविक है। पॉलाइन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ और वो डिप्रेशन में चली गई थी। लेकिन दोस्तों, वो बहुत ही जल्दी डेस्परेट होने लगी और अपने वजन को कम करने के लिए वो कड़ी मेहनत करने के बारे में सोचने लगी। इसके लिए पॉलाइन ने फेमस सेलिब्रेशन रियलिटी शो माई वेट लॉस पॉन्ड से मदद मांगी, जहां उन्हें कई मेडिकल टेस्ट और कई गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी के बाद अपना 100 पाउंड यानी कि करीबन 130 किलो तक वजन कम करने में सफलता हाथ लगी। तब जाकर उन्हें एक नई जिंदगी की शुरुआत करने का मौका मिला और अब वो अपनी लाइफ एंजॉय कर रही हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं यूरेप की। 2006 में मैक्सिको के रहने वाले यूरेप का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया था, जब उनका वेट 560 किलोग्राम था और वो दुनिया के सबसे हैवी ह्यूमन बीइंग बन गए थे। यूरेप अपने बढ़ते वजन के कारण 2002 से ही अपने बेडरूम में थे। जाहिर सी बात है कि इतना वजन होने के कारण यूरेप चल नहीं सकते थे और ना ही कोई अपना काम कर सकते थे। लेकिन दोस्तों, यूरेप 2008 में कई डॉक्टरों की मदद से अपने शरीर का 1/3 यानी कि 260 किलोग्राम वजन कम करने में सफलता पाई। लेकिन जब इनका वजन 394 किलोग्राम था, हार्ट अटैक की बीमारी के चलते उनकी मौत हो गई। खालिद बिन मोहसिन शारी। साल 1991 में सऊदी अरब में पैदा हुए खालिद को दूसरा सबसे वजनी व्यक्ति माना जाता है। साल 2013 में खालिद का वजन करीबन 610 किलोग्राम था, लेकिन अपनी मेहनत और इलाज करवाने के 6 महीने बाद खालिद का वजन आधा हो गया। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आप भी इसी तरह की मोटापे से होने वाली बीमारियों से बचना चाहते हैं, तो अपने सेहत का भरपूर ध्यान रखें।
रेगुलर एक्सरसाइज करें और अपने खाने में हेल्दी फूड सेवन करें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।